नीट 2020 के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोग विद सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम सबने पढ़ा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय टू हम लोग करेंगे। चलो इसका आंसर है हीलियम। वैसे आपको जनरल केस में इतनी बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो याद होगा कैसे हम लोग बताते हैं। ये हीलियम टू मॉलिक्यूल जो उन्होंने दिया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल चार। चार इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फिगरेशन हम लिखने जाएंगे तो सिग्मा वन एस टू और सिग्मा स्टार वन एस टू, ऐसे करके चार इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में दो, टू माइनस टू बाई टू, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। और बॉन्ड ऑर्डर जीरो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन वन हमारे केस में सही वाला ऑप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयनिक इक्विलिब्रियम से। NiOH होल ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी NaOH के प्रेजेंस में उन्होंने पता करने को बोला है हमें। सॉल्युबिलिटी S हमें पता करना रहेगा और KSP का वैल्यू दिया है, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है कि KSP इक्वल्स टू क्या होगा NiOH होल ट्वाइस के लिए हम लिख सकते हैं, ये होगा Ni प्लस टू का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। OH माइनस कंसेंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, NaOH से हमें OH माइनस कंसेंट्रेशन मिलेगा क्योंकि वो एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमें ये पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, NaOH होल ट्वाइस नहीं देगा। तो OH माइनस कंसेंट्रेशन 0.1 इसका हो गया स्क्वायर, Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन एज इट इज रह गया और KSP का वैल्यू हमको पता है 2 × 10⁻¹⁵, ये आ गया। जरा इस 0.1 को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻¹, पावर में 2 है तो 10⁻², नीचे जाएगा इधर और फिर ऊपर आएगा 10⁻³ बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू Ni प्लस टू आयन का कंसेंट्रेशन। जरा ध्यान से देखना, Ni प्लस टू आयन का कंसेंट्रेशन जो सॉल्युबिलिटी है, ये जो NiOH होल ट्वाइस है ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये हमें देगा एक Ni टू प्लस आयन और दो OH माइनस आयन। अगर इसका सॉल्युबिलिटी है S तो इसका होगा S, इसका होगा 2S और हमें क्या पता करना था S, तो इसका कंसेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर है इसलिए हमारा 2 × 10⁻³ आंसर है। आंसर ऑप्शन वन के अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो किस चैप्टर से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग कर रहा है इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स का कॉम्बिनेशन। हम लोगों को बोलना चाहिए कि इक्विलिब्रियम केसी आ रहा है इसलिए और डेल्टा जी पूछा है इसलिए थर्मोडायनामिक्स हम लोग दोनों देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का रिएक्शन दिया है कि सुक्रोज में पानी डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी इसी रिएक्शन से रिलेटेड पेपर में एक और क्वेश्चन है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी इज 2 × 10⁻³ एट 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इतना है तो डेल्टा जी कितना होगा। बड़ा सिंपल सा है, हमें डायरेक्ट रिलेशन पता होता है, डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ आर टी एल एन के, और के यानी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमारे सिनेरियो में उन्होंने जो रखा है वो है के सी। ऐसे अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं एन आर टी एल एन के, पर नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स का कोई रिलेशन भी नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों को जो डेल्टा जी मिलेगा वो पर मोल यूनिट के साथ मिलेगा। तो इसके वैल्यूज रखना है आपको, जो ऑप्शंस दिखेंगे वो भी इसी के फॉर्म में दिखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आर का वैल्यू है 8.314, ये टी का वैल्यू सेम टेम्परेचर दे रखा है 300 और एल एन के का वैल्यू जो है उन्होंने दे रखा है डायरेक्ट 2 × 10⁻³। तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिख जाए वो आपका आंसर है। इनके साथ यूनिट्स भी ऑप्शंस में दिखेंगी, सारी की सारी ऐसा यूनिट्स हम लोगों ने ली है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों चैप्टर इस क्वेश्चन में इन्होंने वेटेज वाइज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ा है तो वो इसको कर पाएगा याद, मेमोरी बेस्ड मेमोरी टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो दो चीजें हैं, पहले तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए इन एलिमेंट्स का। तो अन नील अनियम इसका मतलब क्या होता है, अन नील अनियम का मतलब होता है अन मतलब वन, नील मतलब जीरो और अन मतलब वापस से हो गया वन, तो 101। फिर आगे आते हैं अन नील ट्रियम, तो अन नील ट्रियम, नील मतलब जीरो, ट्रियम थ्री के लिए ट्राई यूज करते हैं।
अनिल हेक्सियम है 106, और लास्ट अन अनियम, यानी 3 बार 1, अन अनियम। ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों को पूछा है कि कौन सा वाला मैच इनकरेक्ट है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये मैच है कि नहीं हमें चेक करना है। तो ये जो है ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ये डायरेक्ट सही है, और ये फोर्थ वाला गलत आंसर है। तो ये आपको अगर मेमोरी बेस्ड है, आपको अगर याद होगा पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जज करेगा कौन कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने वाला है और कौन कॉम्पिटिशन में आगे नहीं बढ़ने वाला है। चलो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या था? इनकरेक्ट मैच फोर्थ वाला था, फोर्थ वाला सही नहीं है। ये जो होता है ये 110 होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है विथ सेल एज ऑफ 288। एज लेंथ उन्होंने दे रखा है ए का वैल्यू 288, और यूनिट होगा पिकोमीटर, इसका यूनिट है पिकोमीटर। द एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस हमें पूछा है कितना होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का रेडियस। सीधा सीधा बीसीसी के लिए हमें रिलेशन पता होता है, ए रूट 3 इक्वल्स टू होता है 4 × r। ये r हमें पूछा गया है, a का वैल्यू दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन बचा, ये 288 यहाँ पुट कर दो, 288 इंटू ये वाला रूट 3 और ये डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा r का वैल्यू। तो जिस ऑप्शन में आपको ये नजर आ जाए, ये वाला ऑप्शन सही कहलाएगा, और यूनिट आएगा पिकोमीटर में। ये वाले लिखने के बाद पिकोमीटर यूनिट आएगी r की, क्योंकि a की यूनिट भी क्या थी? पिकोमीटर। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से पूछा गया है, 12th वाले केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट एनोड विल बी। ये भी अगेन फैक्ट बेस है, अगर किसी को याद है तो सीधे कर सकता है, और नहीं याद है तो उसको आइंस बना करके सॉल्व करना होगा। ध्यान देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, तो कौन कौन से आइंस हमारे पास सोल्यूशन में होंगे? हमारे पास होगा एच प्लस, हमारे पास होगा SO4-2, ये इससे, और डाइल्यूट मतलब वाटर भी है, तो एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों होगा। अब ये वाला तो जाएगा रिडक्शन में, यानी कैथोड पे बनेगा H2 गैस एट कैथोड, और ये वाले दोनों में से कंपटीशन वो जीतेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है ओ एच माइनस का, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा एनोड पर O2 गैस, और यही उन्होंने पूछा है कि एनोड पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस नहीं, ये कैथोड में निकलेगा। एनोड पे क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं, हमें कई स्टूडेंट्स को याद रहता है कि एनोड पे O2 और कैथोड पे H2 बनता है। ये सेम है जैसा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, ये जो H2SO4 है ये सिर्फ एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, Which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage, peroxide linkage? Simple है, sulfur के oxy acids के structures अगर हमें याद है, हमें पढ़ रखे हैं हमने 16th group, oxygen family वाले group का ये question है inorganic का, तो क्या होगा? H2SO3 sulfurous acid कैसा structure होता है, मैं आपको draw करके बताता हूँ। H2SO3 बीच में होगा sulfur, ऊपर होगा एक double bond oxygen, दो hydrogen हमेशा जाएंगे ऑक्सीजन के साथ ही, यानी कि ये OH और ये OH, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड की जगह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बनाते तो चल जाता, और एक यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उस सिनेरियो में कि लोन पेयर बच जाएगा। H2SO4 कैसा होगा? ये एक ऑक्सीजन नीचे और आ जाएगा, यानी कि सेम स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर भी OH, यहाँ पे नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक आ गया, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। फिर H2S2O8, यही हमारा आंसर है। ध्यान से देखना, दो सल्फर इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, चार होंगे सल्फर पे, इधर एक OH और इधर एक OH, कॉमन नेम इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन की जगह एक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो वो लास्ट वाला हो जाएगा पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ओलियम। हमारा जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं भी पता होते तो नाम भी दिए थे ऑप्शंस में, पर ऑक्सो यानी परऑक्सी लिंकेज, यानी हम नाम के बेसिस पे पता लगा सकते थे कि किस में ओ लिंकेज आ रहा है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, अगर ये नाम नहीं देते तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में मान सकता था, लेकिन साथ में नाम भी दे दिए तो ये हो गया बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा जो कि ऑक्सीजन फैमिली से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है थर्मोडायनामिक्स से,
सीधा सीधा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन क्या होगा। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो क्यू इक्वल्स टू जीरो वाले दो ऑप्शन, ये दो तो खत्म हो गए। फिर फ्री एक्सपांशन होता है तो हमें पता है कि एक्सपांशन के लिए कोई भी नहीं रोकने वाला। ऐसा मान लो कि एक पिस्टन वाला सिलेंडर है और इसके अंदर ये गैस है, पिस्टन खुद से ही ऊपर जा रहा है, ना गैस धक्का लगा रही है ना बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, कुछ नहीं है, फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, तो ये वाला वर्क जीरो माना जाता है। वर्क में कंसिडर हम लोग इसको नहीं करते हैं ना, किसी की मेहनत ही नहीं लगी, पिस्टन खुद से ऊपर जा रहा है, तो वर्क जीरो, क्यू जीरो, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा टी भी जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ऑप्शन नंबर वन जो हमारा है वो इस सिनेरियो में सही हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हम लोग लिखते हैं विदाउट साइन कन्वेंशन। यहाँ पे वर्क जीरो है, क्यू जीरो है, इससे डेल्टा यू भी जीरो है, और डेल्टा यू होता है इन जनरल अगर हम देखें तो एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी भी जीरो। तो तीनों की तीनों वैल्यूज हो गई हमारे सिनेरियो में जीरो, जो कि हमको मिल रही है ऑप्शन नंबर वन में। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वाला सॉल्यूशंस से, हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री 12th का पार्ट का है, बहुत ही सिंपल। उन्होंने पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन दे रखा है, केएफ का वैल्यू 5.12, हमें याद भी होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सॉल्यूशन, ब्रीजिंग नहीं फ्रीजिंग आना चाहिए था, ऑफ मोलैलिटी 0.078 m कंटेनिंग, मोलैलिटी दे रखा है हमें, और हमें पूछा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हमने बेंजीन में डाल दिया तो कितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, यानी कि दोनों वैल्यूज जो दिए दोनों को खाली हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर सॉल्व करना है। तो 5.12 इंटू 0.078 हमें ये करना है। ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मैं इसको 0.5 मानूं और इसको 0.78 डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाला एक आगे शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाला एक पीछे, तो 0.5 मतलब आधा, यानी कि 0.78 से थोड़ा सा आधा करते हैं और थोड़ा सा उससे बड़ा आंसर होगा। अगर आप एक्चुअल मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप एक्चुअल कीजिए, तो एक्चुअल करने से आपको मिलेगा 0.39 के अप्रॉक्स आंसर, और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आ जाएगा। और वैसे भी हम अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते थे कि 78 के आधे से थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, 78 के आधे से थोड़ा सा बड़ा यानी 0.4 वाला हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने में भी सिंपल है और लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मोल्टन CaCl2 है मतलब हमारे पास कौन कौन से आयन्स है, Ca+2 आयन्स है, Cl-1 आयन्स है, जो कि एक कैल्शियम क्लोराइड से दो मिलेंगे, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना है कि हमें 20 ग्राम कैल्शियम मिल जाए। 20 ग्राम कैल्शियम मिलने के लिए तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। मान लो कि मेरे पास है Ca+2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं तो मुझे मिल जाएगा Ca, तो आपको दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मुझे 1 मोल कैल्शियम चाहिए होगा यहाँ पर, 1 मोल कैल्शियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1 फेराडे, यानी ये चाहिए हमें 2 फेराडे चार्ज, और हमें 1 मोल कैल्शियम का मास पता है होता है 40 ग्राम। उन्होंने पूछा है 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे, तो 20 ग्राम के लिए कितना, तो सिंपल है 20 ग्राम के लिए 1 फेराडे। समझ में आ गया, 20 ग्राम कैल्शियम हमें डिपॉजिट करना है, तो आंसर होगा कि 1 फेराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 1 दे रखा होगा वो हमारा सही आंसर है, 1 फेराडे, 1 f इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को, 1 f चार्ज हम लोगों को लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स का हम बढ़ाएंगे किसी रिएक्शन में, यानी रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स, ऐसा अगर कुछ है और ऐसा कंसेंट्रेशन हम बढ़ाते चले तो क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हैं वो। ऑप्शन वाइज चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन पे एक्टिवेशन एनर्जी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, एक्टिवेशन एनर्जी हर किसी रिएक्शन के लिए फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स होना चाहिए, हमें पता है। फिर हीट ऑफ रिएक्शन, ये इधर से इधर जाए और इधर से इधर जाए तो जो भी चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है वो होता है हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अगेन बोलना चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितनी है उन पर डिपेंड करेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कि ये रिएक्शन शुरू हो जाए, तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से थ्रेशोल्ड एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी वही चाहिए रहती है। तो हमारे पास 3 एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन चौथा आ ही गया, उसका मतलब क्या है भी समझते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते जाएंगे तभी तो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा। टकराएंगे उसमें से इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो वो कोलिजन होने की फ्रिक्वेंसी रिएक्टेंट्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो ज्यादा कोलिजन होंगे और वो फ्रिक्वेंसी कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और इनडायरेक्ट वे में अगर हम बोले तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी को हम लोग अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लिखते हैं वो होता है के बाय ए, जो होता है इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से रिलेटेड। इससे हम लोग रिलेट करते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी ज्यादा तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने का पर्पज है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएं या कम करें तो उससे कोलिजन फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हम लोगों ने एक सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ N2 गैस एंड अर्गॉन गैस इन अ सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम N2। कितना है गिवन क्वांटिटी है 7 ग्राम N2, साथ में दे रखा है 8 ग्राम अर्गॉन, 8 ग्राम अर्गॉन भी है, और ये दोनों मिक्सचर से हम लोगों को बता रखा है कि इफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 27 बार, दोनों से मिला के जो टोटल प्रेशर है वो है 27 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा। तो हमें इसके मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन से हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा सिंपल लॉजिकली भी हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 7 ग्राम N2 कितना है मोल्स में, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का मास 28, 7/28 यानी कि 1/4 मोल्स, 1/4 मोल्स नाइट्रोजन है हमारे पास। फिर 8 ग्राम आर्गॉन मास उन्होंने रखा है 40 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 8/40, ये कितना हो जाएगा 1/5 मोल्स। तो रेशियो कितना आया कि नाइट्रोजन और आर्गॉन किस रेशियो में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 1/4 है और आर्गॉन 1/5 है। थोड़ा सा इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इज टू आर्गॉन जो आ रहा है वो आ रहा है 5:4। 27 को डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो कैसा होगा, इसको मान लेते हैं 5p, इसको मान लेते हैं 4p, दोनों को ऐड करके इक्वल हो जाएगा 27। तो यहाँ से हम लोगों के पास आएगा 5p प्लस 4p 9p इक्वल 27, 9 से डिवाइड कर दो तो p का वैल्यू आ गया 3, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना था 5p, तो p का वैल्यू 3, तो 5 × 3 15 बार जो है इस नाइट्रोजन का प्रेशर है, और 27 में से जो बच गया 15 में वो कितना बच गया 12 बार जो है वो आर्गॉन का प्रेशर है। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 15 बार। ये प्योरली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन था, हम मोल फ्रैक्शन और वो वाला प्रोसीजर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऐसा कुछ है, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बिल्कुल अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा कि ये सीधा की सीधा आंसर है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड दूसरा मॉलिक्यूल होता है, ऐसे जैसे बीच में एसीटोन वाला मॉलिक्यूल घुसा दिया आपने तो ये हो जाएंगे एक दूसरे से दूर दूर, दूर दूर होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, एंथैल्पी डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, और ये एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का होगा। ये वाला जो है बेंजीन टोलुइन ये आइडियल सोल्यूशन है, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन ये आइडियल सॉल्यूशन है, और ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। ये हमें डायरेक्टली याद रखने थे, और अगर आपको याद होंगे तो आप बता सकते हो, और ये वाला थोड़ा सा लॉजिकली आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट से समझ भी सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन उसी में होगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर ऐसा कुछ भी होता तो पॉजिटिव डेविएशन माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और मास दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मास से मोल्स निकालना पड़ेंगे, मास से एन, और जिसके मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, ये हम लोग मान सकते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला आते हैं 1 ग्राम ऑफ Ag, और वो 8 नहीं है यहाँ पर होना चाहिए था, सॉलिड Ag सॉलिड होना चाहिए वो, 1 ग्राम ऑफ Ag सॉलिड, Mg सॉलिड, O2 जो दे रखा है वो गैस, और लिथियम जो दे रखा है अगेन सॉलिड, Ag का मास है 108, तो मोल कितना हो जाएगा 1 ग्राम Ag डिवाइड बाय 108, ये आ गया मोल्स, और इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, कंपैरिजन के लिए ध्यान रखना अभी 108, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 108 Na। सेकेंड वाले पे आते हैं 1 ग्राम Mg, Mg का मास है 24, तो कितना हो जाएगा 1/24 Na, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। फिर 1 ग्राम O2 गैस है, O2 का मास कितना हो जाएगा 16 × 32, तो 1/32, 1 अपॉन
इंटू एन ए, 1/32 कितना आएगा मोल, इंटू करूंगा एन ए तो आएगा मॉलिक्यूल, और फिर एटम्स पूछा है क्वेश्चन में तो इंटू टू मुझे और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2/32, तो इसको हम लोग अगेन लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/16 एन ए। चलो अगले पे आते हैं, 1 ग्राम लिथियम सॉलिड, लिथियम का मास कितना है 7, तो 1/7 अगेन इंटू एन ए। मुझे बताओ मैक्सिमम ढूंढना है, तो अगर ये वैल्यूज मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मुझे जो चाहिए नीचे वाली चीज वो कम से कम, छोटी छोटी होना चाहिए, नीचे कम से कम होगा तो पूरा वैल्यू बड़ा से बड़ा, तो ये कम से कम वाला वैल्यू नीचे किसे मिल रहा है, लिथियम वाले में मिल रहा है, तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए लिथियम के एटम्स 1 ग्राम में सबसे ज्यादा होंगे, सबसे हल्का एटम वही है तो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एटम्स उसी के होंगे, तो ये वाला आंसर है। आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन जो हमारा है कि 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कॉन्स्टेंट इन्होंने दे रखा है 4.606 × 10⁻³/s, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो दे रखा है 2 ग्राम और ये फाइनल में चेंज हो रहा है 0.2। क्या इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, होता है KT इक्वल्स टू LN ए नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल AF, फाइनल कंसेंट्रेशन, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। फिर हम लोग इसको वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है T, तो हम क्या लिखेंगे T इक्वल्स टू K को ले आते हैं इधर और LN को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2.303, तो ये LN हो जाएगा लॉग ए नॉट का वैल्यू, इनिशियल कितना था 2 अपॉन फाइनल कितना हो गया 0.2, और डिवाइडेड बाय ये वाला के का वैल्यू कितना है 4.606 × 10⁻³। ये हमारे पास इतना आ गया, इसको सॉल्व करना है, 2/0.2 हो गया 10 और लॉग 10 हो जाता है 1, तो ये वाला टर्म तो हो गया 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1 का, किसी में भी मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर क्या हो गया 2.303 अपॉन 4.606 × 10⁻³। ये 10⁻³ को ले जाओ ऊपर तो हो जाएगा 10⁻³, और ये अपॉन ये हो जाता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5 × 10³, इसका मतलब कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500, और आंसर आएगा पर सेकंड में के का वैल्यू था नीचे तो ऊपर जाके वो हो जाएगा सेकंड्स, तो ऑप्शन कौन सा मिला 500 सेकंड्स, ऑप्शन नंबर 3 हमारे लिए सही आंसर है। आप देखें सारे सॉल्यूशन बिल्कुल फटाफट इतने इतने से जगह में हो रहे हैं, ज्यादा रफ स्पेस का भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज वेल एज ज्यादा टाइम स्पेंड करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट वाले वीडियो में यूज करेंगे, अगला पार्ट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी इसी के बाद में डाल रहे हैं, आप लोगों को ये इस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आसानी से फील फ्री आप कमेंट करके उसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत जल्दी एक बढ़िया सा सॉल्यूशन का PDF भी मिलेगा, आंसर की हम लोग डाल रहे हैं ऐसा कि किसी भी सेट का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो आपको उसमें आसानी से देखने को मिल जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। चलो थैंक यू वेरी मच, आई होप सभी को समझ में आया होगा।